ये टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, अलग अलग मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं, कौन कौन सी मेथड होती हैं रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की। तो आइए डिस्कस करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन तो देयर आर टू मेथड। फर्स्ट इज हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड और इस रिएक्शन को और क्या कहते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड बोलें या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोलें। सेकेंड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये दो मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। तो एक एक करके अब लोग डिस्कस करेंगे। अब आइए स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड में दो केस होता है, या तो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी या तो रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगी। एसिडिक मीडियम में होगी तो रिएक्शन कैसे जानेंगे कि हम रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, जैसे एच ए है, एच प्लस का रिएक्शन करा करके बी बन रहा हो तो कहीं पे एच प्लस दिख रहा होगा। एच प्लस अगर यहाँ पे दिख रहा है तो आपको ये समझ लेना है कि रिएक्शन किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में है। या तो अगर नहीं दिया रहेगा तो ये क्वेश्चन दे करके बोलेगा कि आपको एसिडिक मीडियम मानते हुए इसे सॉल्व करना है, एसिडिक मीडियम मानते हुए आपको सॉल्व करना है हाफ रिएक्शन मेथड से। तो ये फॉलोइंग स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। अब फॉलो करते हुए आप करेंगे तो आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी। तो आइए कि सारे स्टेप इसमें समझते हैं कि कोई रिएक्शन हमको इम्बैलेंस रिएक्शन मिली जो बैलेंस नहीं है और उसको हाफ रिएक्शन मेथड से सॉल्व करना है, और क्वेश्चन में दे दिया एसिडिक मीडियम में सॉल्व करना है, या उस जो रिएक्शन दी हुई है उसमें एच प्लस लगा है, तो हम समझ जाएंगे कि इसको हाफ रिएक्शन मेथड से सॉल्व करना है और एसिडिक मीडियम में करना है। तो ये फॉलोइंग स्टेप्स हमको आने चाहिए कि कौन कौन सी स्टेप हमको इसमें फॉलो करनी होगी। तो सबसे पहली स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हाफ रिएक्शन एंड सेपरेट देम। फर्स्ट स्टेप में आपको यही करना है कि जो इक्वेशन होगी, जो रिएक्शन होगी, उसमें आप चेक कर लीजिए कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग लिख लीजिए और रिडक्शन रिएक्शन को अलग लिख लीजिए। इसके बाद बैलेंस ऑल द इलेक्ट्रॉन अदर देन ऑल द एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट हैं सबसे पहले उनको बैलेंस कर लीजिए बाय द मल्टीप्लाई सूटेबल नंबर। इसके बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे किसकी हेल्प से, H2O की हेल्प से, और H2O उधर ऐड करेंगे जिधर ऑक्सीजन कम होगा। इसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन उधर ऐड करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ यूज करेंगे, एसिडिक मीडियम है इसलिए H+ यूज करेंगे, और H+ उधर यूज करेंगे, ऐड करेंगे जिधर हाइड्रोजन कम होंगे। बैलेंस चार्ज बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद दोनों साइड में चार्ज देख लीजिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि चार्ज आपका बैलेंस हो जाए। इसके बाद दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो आप अलग अलग लिखे थे दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपकी रिएक्शन जो होगी बैलेंस रिएक्शन होगी। तो ये स्टेप हमको अलग अलग से सारी स्टेप सिक्वेंस में फॉलो करनी है। तो आइए हम एग्जांपल पे समझेंगे कि अलग अलग से एग्जांपल में समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर। लेट अस स्टार्ट। तो ये पूरा आपको स्टेप याद रखने हैं। चलिए हम लोग एग्जांपल लेकर के कोई रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। आपके सामने एक रिएक्शन दी हुई है, आयनिक रिएक्शन है, और इसमें देख रहे हैं कि रिएक्शन इम्बैलेंस है, और इसमें दिया हुआ है आपको एसिडिक मीडियम साल्ट मानते हुए इसे बैलेंस करना है।
एसिडिक मीडियम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहला है कि हमारा कि पहले हम लोग देखें कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और कहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, पहले सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस माइनस 2 इंटू 7 इक्वल टू माइनस 2। तो एक्स 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 और प्लस 14 इक्वल टू प्लस 12। 2x इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 6। इसका मतलब यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 6 है। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर, जो नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट होगा वहीं उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी 3 होगी। यहाँ पे आयरन पे प्लस 2 का चार्ज है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 होगी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3 होगी। जो भी चार्ज होगा, आपको बताया हूँ रूल में कि कैसे निकाला जाता है। तो आपको इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लिए। अब आइए, हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ाए हैं प्रीवियस लेक्चर वीडियो में, तो आप लोग उसमें देखे थे कि कहीं पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगी तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगी तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो देखिए, यहाँ से क्रोमियम आपको सेम एलिमेंट में चेंज देखना है। यहाँ पे क्रोमियम का आप आयरन से नहीं देखेंगे, क्रोमियम का क्रोमियम से, आयरन का आयरन से सेम एलिमेंट में चेंज देखेंगे। तो यहाँ पे क्रोमियम और क्रोमियम में, यहाँ पे दोनों में चेंज देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुई है, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगी तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगी तो रिडक्शन हो गया। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ भी देखिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुई है, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुई है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो स्टेप कहता है कि सबसे पहले इनको अलग अलग लिखिए, तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग लिख लेते हैं। तो क्या है, Cr2O7 टू माइनस प्लस 6 का है, इसके बाद Cr3+। तो ये कौन सी है रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ये है रिडक्शन। और इसके बाद ऑक्सीडेशन कौन सी है, Fe2+ से Fe3+ की ओर, ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। इस तरीके से दोनों हाफ रिएक्शन को अलग अलग लिख लेंगे। हाफ रिएक्शन लिखने के बाद, इसके बाद आप फाइंड आउट करिए कि ऑक्सीजन के अलावा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं, सबसे पहले उनको बैलेंस कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे क्रोमियम कितना है, 2 है, यहाँ पे क्रोमियम कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रोमियम बैलेंस हो जाएगा, क्रोमियम बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद सारे एलिमेंट इधर के बैलेंस हो गए, इधर के भी सारे एलिमेंट बैलेंस हैं। तो इसके बाद एलिमेंट, सारे एलिमेंट जब बैलेंस हो जाएंगे तब आ गएगी नंबर किसका, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम H2O ऐड करेंगे उधर, जिधर ऑक्सीजन कम होंगे। इधर देखिए 7 ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो हम इधर कितना ऑक्सीजन ऐड करेंगे, 7, तो हम इधर 7 H2O मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। अब इसके बाद ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, इसके बाद हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन इधर नहीं है, इधर है हाइड्रोजन 14, तो इधर हाइड्रोजन 14 है, तो इधर हाइड्रोजन कितना ऐड कर देंगे, उधर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करते हैं, H+ उधर ऐड करते हैं जिधर हाइड्रोजन कम, तो इधर कितना हो जाएगा, प्लस 14H+। अब हमारा और सब बैलेंस हो गया, इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। इधर देखिए कुल कितना इलेक्ट्रॉन है, 14H+ हैं, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 14 पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 14 पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद माइनस चार्ज कितना है, माइनस 2 है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 पॉजिटिव चार्ज है, इधर कितना पॉजिटिव चार्ज है, 12 पॉजिटिव चार्ज, 12 है, इधर पॉजिटिव चार्ज कितना है, 6 है, कितना है, 6 पॉजिटिव चार्ज है। देखिए
यहाँ पे जीरो पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे सिक्स पॉजिटिव चार्ज है, तो सिक्स पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ट्वेल्व पॉजिटिव चार्ज है। तो ये चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमको किसका हेल्प लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को। बताइए अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, सिक्स इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड कर देंगे, सिक्स इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो देखिए सिक्स इलेक्ट्रॉन सिक्स प्रोटॉन को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। कितना बचेगा, सिक्स पॉजिटिव चार्ज बचेगा। इधर पे कितना चार्ज है, सिक्स पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों ओर चार्ज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये रिएक्शन बैलेंस हुई, इधर आ जाते हैं, इधर एटम तो बैलेंस है, इधर जो हैं एफ ही एक है, एफ ही एक है, इधर इलेक्ट्रॉन दो हैं, इधर इलेक्ट्रॉन कितना है, तीन है। तो इलेक्ट्रॉन किधर ज़्यादा है, इधर तीन पॉजिटिव चार्ज हैं, इधर दो पॉजिटिव चार्ज हैं। तो पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए क्या करेंगे, इधर वन इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन है। इसका मतलब है कि इधर वन इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे टू पॉजिटिव चार्ज है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया था कि पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था, तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया था। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वैसे भी देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेन होता है। ऐसे भी समझिए कि यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो टू पॉजिटिव चार्ज बचेगा, यहाँ भी दो पॉजिटिव चार्ज, चार्ज भी बराबर हो गए। तो हम जब ये सब इक्वल हो जाए तो इसे कर दीजिए रिएक्शन ए, इसे कर दीजिए रिएक्शन बी। अब यहाँ पे देखिए, अब इस तरीके से दोनों को लास्ट स्टेप कहता है कि दोनों रिएक्शन को इस तरीके से ऐड करिए कि टोटल जो चार्ज है वो क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। इधर सिक्स इलेक्ट्रॉन है, इधर वन इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स से, सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर रिएक्शन क्या हो जाएगी, इधर रिएक्शन सिक्स एफ ए टू प्लस, सिक्स एफ ए टू प्लस, सिक्स एफ ए थ्री प्लस, प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन। तो सिक्स इलेक्ट्रॉन और ये रिएक्शन क्या हो रही है, इधर देखिए ये रिएक्शन हो रही है सी आर टू ओ सेवन प्लस फोर्टीन एच प्लस, प्लस फोर्टीन एच प्लस, और प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन और सिक्स प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन, सिक्स इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है टू सी आर थ्री प्लस, प्लस सेवन एच टू ओ, सेवन एच टू, ये रिएक्शन हो रही है, ये आपकी रिडक्शन है, वो ऑक्सीडेशन है। और दोनों रिएक्शन को अब क्या कर दीजिए, दोनों रिएक्शन को अब ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या होगा, अब ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सिक्स इलेक्ट्रॉन और सिक्स इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सी आर टू ओ सेवन प्लस फोर्टीन एच प्लस, फोर्टीन एच प्लस, इधर का रिएक्टेंट क्या है, प्लस सिक्स एफ ए टू प्लस, एफ ए टू प्लस। आप इसके बाद इधर के प्रोडक्ट क्या है, टू सी आर थ्री प्लस, प्लस सेवन एच टू ओ, और प्लस क्या है सिक्स एफ ई थ्री प्लस। ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। बैलेंस चेक करने के लिए हमको, हमारे पास है ट्रिक, बैलेंस कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम देख लीजिए कि दो मेथड है, नंबर ऑफ एटम मेथड, एटम्स मेथड और चार्ज मेथड। यहाँ पे देखिए चार्ज कितना है, फोर्टीन पॉजिटिव चार्ज है, फोर्टीन पॉजिटिव चार्ज है, सिक्स ट्वेल्व, फोर्टीन ट्वेल्व कितना हो जाएगा, 24 पॉजिटिव चार्ज है। इधर देखिए 6 और इधर देखिए 18, 36 18 पॉजिटिव चार्ज इधर, 6 पॉजिटिव, 24 पॉजिटिव चार्ज इधर, 6 दूनी 12 और 14, 24 पॉजिटिव चार्ज इधर हैं और 24 पॉजिटिव चार्ज इधर हैं। इस तरीके से हम जब वेरीफाई करेंगे कि हमारी रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, अगर दोनों साइड में नंबर ऑफ चार्ज इक्वल आ जाए तो हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी, अगर दोनों साइड में हमारी चार्ज को नहीं आएंगे रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, तो थोड़ा सा देखिए कि
Cr2O7, Cr3 प्लस, Cr3 प्लस है, Fe2 प्लस, 3 प्लस। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दो माइनस लगा है ना, यहाँ पे दो माइनस, टू माइनस लगा है यहाँ पे, तो यहाँ 14, 6 × 12 26 हो गया, 26 में से दो इलेक्ट्रॉन चला गया है, देखिए माइनस दो है, ये प्लस 12 पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाद 12 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 14 है, 14 में से दो माइनस निकाल देंगे तो 12 बचेगा, 12 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा 14 पॉजिटिव चार्ज इस साइड में और 14 पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि बेसिक मीडियम अगर होगा तो कौन से स्टेप फॉलो होंगे और हर स्टेप में हमें क्या करना है। यदि रिएक्शन बेसिक मीडियम में दिया हो तो बेसिक मीडियम दिया रहेगा कि बेसिक मीडियम मानते हुए रिएक्शन को बैलेंस करिए, या कहीं OH माइनस दिख रहा हो रिएक्शन में और हाइड्रोक्सी आयन दिख रहा हो तो हम इसको मानेंगे कि रिएक्शन बेसिक मीडियम में है। तो सबसे पहले कि केस सेकेंड है बेसिक मीडियम, ये भी हाफ रिएक्शन मेथड में, अगर एक केस है एसिडिक मीडियम और सेकेंड केस है बेसिक मीडियम। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर सबका कैलकुलेट कर लीजिए, अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ पर इंक्रीज हो रहा होगा, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन, और जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होगा वहाँ पे रिडक्शन होगा। तो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करिए और उसको सेपरेट कर दीजिए। इसके बाद आप बैलेंस ऑल एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट हैं पहले उनको बैलेंस कर लीजिए सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आइए ऑक्सीजन को बैलेंस करने, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं H2O की हेल्प से, और हमें H2O इस बार उधर जोड़ना है, यहाँ पर बच्चा गलत कर सकता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें H2O उधर ऐड करना है जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा हो, लेकिन बात यह है कि जितना ऑक्सीजन उतना H2O जोड़ना है जितना दोनों का डिफरेंस आ जाए। सपोज करिए एक और एक ऑक्सीजन है, एक और तीन ऑक्सीजन है, तो डिफरेंस कितने का है, दो का डिफरेंस है, तो हमें 2H2O उधर ऐड करना है जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा हो, सिंपल सी बात है। इसके बाद ऐड OH माइनस आयन हाइड्रोक्सी आयन अपोजिट साइड, आप जिधर H2O जोड़े हैं उसके अपोजिट साइड में क्या जोड़िए, हाइड्रोक्सी आयन H2O उसके अपोजिट साइड, ऐड OH माइनस आयन अपोजिट साइड वेयर H2O इज एडेड। और एक वाटर के मॉलिक्यूल के लिए कितना OH लेना है, 2 OH, 2 OH माइनस लेते हैं, अगर 4 H2O जोड़े हैं तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 8 OH माइनस। इसके बाद बैलेंस चार्ज बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज को बैलेंस करिए इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। इसके बाद ऐड कर दीजिए दोनों रिएक्शन को, इस तरीके से ऐड करिए कि दोनों साइड के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो ये हैं स्टेप, इनको आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रख के हम करेंगे बैलेंस रिएक्शन को। और अगर हम एकेडमिक में हैं, क्लास 11th में हैं, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि राइट द स्टेप इन्वॉल्व इन द बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय द हाफ रिएक्शन मेथड इन बेसिक मीडियम, ये डायरेक्ट स्टेप लिखने के लिए आ जाता है एग्जाम में, और मैक्सिमम आता है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। कभी कभी स्टेप भी पूछ देता है कि कौन कौन सी स्टेप इन्वॉल्व होती है, तो आपको ये स्टेप याद रखनी होगी, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो हो गया, इसके बाद हम एग्जांपल लेके आता हूँ, आइए इस रिएक्शन को देखिए। आपके सामने एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन का सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता था, डायटॉमिक मॉलिक्यूल हो, होमोमोलिकुलर डायटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो क्या होगा, होमोएटॉमिक डाई मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, एलिमेंटल फॉर्म है तो 0 होगा। इस आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, +7, कैलकुलेट करेंगे तो +7 आएगी। इसकी आएगी कितना,
प्लस फाइव आएगी, इसकी आएगी प्लस फाइव और इसकी आएगी प्लस सेवन, इसकी कितनी आएगी? नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इसकी माइनस वन आ जाएगी। तो आप देखिए पहले क्लोरीन से क्लोरीन का क्या चेंज हुआ है, क्लोरीन से क्लोरीन का जो चेंज हुआ है वो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुई है तो हम इसे क्या कहेंगे? रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। इधर आ जाते हैं आयोडीन का, इस आयोडीन से देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुई है तो क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और यहाँ पे रिडक्शन। तो स्टेप कहता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन असाइन करने के बाद आप रिएक्शन को क्या कर दीजिए? टू पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, रिएक्शन को टू पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। और टू पार्ट में डिवाइड करेंगे मतलब एक और ऑक्सीडेशन लिखेंगे और एक और रिडक्शन लिखेंगे। इस तरीके से टू पार्ट में डिवाइड करिए तो Cl2 से क्या बन रहा है? Cl-, इसका मतलब मैंने जो लिखा हूँ ये क्या है? रिडक्शन है। इसके बाद IO3- से IO4, IO4- ये कौन सी है? ऑक्सीडेशन, ये लिख लीजिए। इसके बाद चलिए इसको बैलेंस करते हैं। पहले कहता है स्टेप कि दोनों लिख लीजिए, स्टेप फाइनल। सेकेंड स्टेप कहता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट हैं उनको बैलेंस कर दीजिए। बताइए यहाँ पे क्लोरीन कितना है? टू, यहाँ पे क्लोरीन एक है तो बताइए दो से मल्टीप्लाई करेंगे, दो क्लोरीन बराबर हो गए। इसके बाद ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नहीं है, नहीं बैलेंस करना है। इसके बाद आ जाइए इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ पे कितना नेगेटिव चार्ज है? टू नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे कितना नेगेटिव चार्ज है? नहीं है तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? प्लस टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन कर देंगे। अब सब कुछ बराबर हो गया, रिएक्शन को क्या मान लीजिए ये। इसके बाद इधर आ जाइए, अगर आयोडीन आयोडीन बराबर है, एलिमेंट बराबर है, एलिमेंट बराबर है तो एलिमेंट को बराबर नहीं करना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर के जो एलिमेंट है वो बराबर है, वो बराबर है। इसके बाद अब आ जाते हैं ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए। ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम लोग H2O जोड़ते हैं, H2O उधर जोड़ते हैं जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा हो। लेकिन कितना ऑक्सीजन कितना H2O जोड़ते हैं? दोनों वो साइड के डिफरेंस कर लेते हैं, इधर 4 ऑक्सीजन इधर 3 ऑक्सीजन, तो डिफरेंस कितने का है? एक है। तो इधर कितना जोड़ेंगे? 1 H2O, कितना जोड़ेंगे? एक H2O इधर जोड़ देंगे। अब आ जाइए हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन जोड़ना है तो आपको मैं बताया था कि जिधर आप H2O जोड़िए उसके अपोजिट साइड आप OH- जोड़िए, और कितना जोड़िए? एक H2O के दो 2OH जोड़ दीजिए। तो आप देखिए दो हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन सब बराबर हो गए, इधर 2OH, 3 2 5, इधर 4 1 5, सब बराबर हो गए। इसके बाद आइए इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 0, यहाँ पे कितना है? -1 का, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना है? -2 और एक -3 है। इधर -3 इलेक्ट्रॉन है, इधर -3 इलेक्ट्रॉन है तो इधर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? इधर -1 है तो कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे? प्लस -2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। और सब कुछ बराबर हो गया तो रिएक्शन को जोड़ बोलिए बी। अब देखिए इधर का इलेक्ट्रॉन 2 है, इधर का इलेक्ट्रॉन बराबर है, इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो अब देखिए हमारी रिएक्शन कुल क्या हुई है। क्लोरीन Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस इधर का रिएक्टेंट हो गया। इधर का रिएक्टेंट पे आ जाइए, इधर का रिएक्टेंट क्या है? IO3- और प्लस 2OH-। इसके बाद एरो बनाइए, इसका प्रोडक्ट क्या है? 2Cl-। इसके बाद प्लस, इसका प्रोडक्ट क्या है? इसके प्रोडक्ट साइड में कुछ नहीं है। अब इधर प्रोडक्ट देखिए IO4- प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हुए ऐसा करिए कैंसिल हो रहा हो जाए तो ये कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, बाकी बचेगा। अब चार्ज जोड़ लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितना है? 2। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कुल नेगेटिव चार्ज कितना है? 3 नेगेटिव चार्ज है। इधर नेगेटिव चार्ज
दो नेगेटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तीन नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब दोनों ओर चार्ज इक्वल है तो रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन बैलेंस है। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं बाय द हाफ रिएक्शन मेथड इन द बेसिक मीडियम।